अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैथ के पेपर को आपको कैसे सोल्व करना चाहिए, कैसे आप 10th क्लास में मैथमेटिक्स के पेपर में 75 out of 75 हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव पार्ट की हेडिंग देनी है, बाद क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, उसके बाद जो पोर्शन आप सोल्व करने लगे हैं उसकी आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद ए माइनस बी फाइंड करना था उसकी मैंने हेडिंग दी है, उसके बाद ए का डाटा दिया, बी का डाटा जो दिया हुआ था वो लिखा, उसके बाद उसको फाइंड किया, इसके बाद हमने फाइंड करना था ए एंड बी, उसको मैंने लिखा, उसको फाइंड किया ए और बी की वैल्यूज को। इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने फाइंड करना था एक्स यूनियन वाई और वाई यूनियन टी, वो हमने फाइंड किया, एक्स और वाई का डाटा वगैरह लिखा पहले, इस तरह करके सोल्व किया। उसके बाद हमने फाइंड करना था ए एल इजिकल टू ए बी सी, उसको हमने एल इजिकल टू ए बी सी दिया हुआ था, उसके हमने रिलेशन फाइंड करने थे वो मैंने फाइंड किए। उसके बाद कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका मैंने डेफिनेशन लिखी है, उस तरह सॉल्व कर दिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद 6th पार्ट सॉल्व किया, डिमॉर्गन्स लॉस, उसके बारे में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों लिख दिए एक एक मार्क्स। उसके बाद अरिथमेटिक मीन क्या होता है उसको मैंने लिखा, उसका डाटा लिखा, उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड करने का मैंने लिखा कि ये फाइंड करना है, फिर उसको फाइंड किया, अरिथमेटिक मीन आ गया। इस तरह करके क्वेश्चन नंबर थ्री शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, उसमें मैंने सबसे पहले 4th पार्ट सोल्व किया, 15 डिग्री को कन्वर्ट करना था उसको मैंने लिखा, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने फाइंड करना था कि मोड और मीडियन हमने फाइंड करना था, मोड उन्होंने दिया हुआ था, मोड और मीडियन दोनों फाइंड करने थे, मोड पहले फाइंड किया उसके बाद मीडियन फाइंड किया, इस तरह करके आंसर आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना था आर की वैल्यू, पहले एल दिया, उसके बाद थीटा उसमें जो दिया हुआ था वो लिखा, उसके बाद थीटा को कन्वर्ट किया। थीटा को आपने ये ज़रूर ध्यान रखना कि डिग्री में दिया हुआ है कि उन्होंने रेडियन में दिया है, अगर डिग्री में तो उसको पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको आपने फिर एल की आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होता है उसके बारे में लिखना था वो लिख दिया, उसके बाद को टर्मिनल एंगल्स के बारे में लिखना था। उसके बारे में लिखा, उसके बाद उसकी फिगर बना ली, इस तरह करके शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए। उसके बाद फिगर बनाई, टैन थीटा, थीटा फाइंड करना था वो थीटा हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूला लगा के। उसके बाद सेक्स एडजस्टेबल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में लिखना था वो लिखा, सर ये सोल्व हो गया। उसके बाद प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया, आंसर आ गया। उसके बाद क्लास लिमिट्स क्या होती हैं उसके बारे में लिखना था वो लिख दिया, इस तरह करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 था ई सब्सक्राइब सर्कल क्या था होता है वो लिखना था वो लिख दिया, सर्कम सर्कल लिखना था वो लिख दिया, उसकी फिगर बना दी। उसके बाद कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है उसके बारे में लिखना था, उसकी फिगर बना दी, इस तरह करके ये हो गया। उसके बाद सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में लिखना था, उसकी हेडिंग बनाई, उसके बाद उसके फिगर बनाई, इस तरह ये सॉल्व हो गया। उसके बाद सेंट्रल एंगल क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखनी थी, ये लिखी और का लिख के लफज सेकंड डेफिनेशन लिख दिया, अगर एक गलत हो जाए दूसरी सही हो जाए। ज़ीरो डायमेंशन लिखना था, ज़ीरो डायमेंशन के बारे में लिखा, उसके साथ उसकी फिगर बना दी, इस तरह ये सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड लाइन क्या होती है उसके बारे में लिखना था वो लिखा, उसके साथ फिगर बना दी। उसके बाद डिवाइड एन आर्क, उसको डिवाइड करना था तो वो लिख दिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, थ्योरम लिखना था, थ्योरम उसके पहले फिगर बनाई, उसके बाद गिवन डाटा लिखा, फाइंड क्या करना है टू प्रूफ वो लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन लिखी, इस तरह सारी हेडिंग बना के आपने लिखना है। थ्योरम के अंदर 8 मार्क्स होता है हर हेडिंग का, मार्क्स हर हेडिंग के नंबर होते हैं। उसके बाद प्रूफ स्टेटमेंट और रीजंस सारा इस तरह करके एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका ए पार्ट सोल्व किया, उसमें जो उन्होंने कहा था फाइंड करने का पहले डाटा लिखा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की, उसके बाद राइट हैंड साइड फाइंड की, और इस तरह ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। उसके बाद हमने रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी थी, उसको हमने पहले डाटा लिखा, उसके बाद रेंज और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, वो हमने इस तरह करके फाइंड की।
इस तरह ये सारा सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए पार्ट सॉल्व करना था, वेरीफाई करना था। इस तरह करके हमने उसको लिखा क्वेश्चन को, उसके बाद उसको सॉल्व किया, इसके बाद लास्ट का आंसर वेरीफाइड लिख दिया। इसके बाद बी पार्ट इसका सॉल्व किया कि इनसे क्रैब सर्कल क्या होता है, हमने वो लिखा। उसके बाद उसकी फिगर बनाई, उसके बाद स्टेप्स लिख दिए उसके कंस्ट्रक्शन के। इस तरह करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से वीडियो ज़रूर मिल सकें बर वक्त। अल्लाह हाफिज़।